गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको सेकेंड ईयर में टेरिडोफाइट्स पेपर के अंदर टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स बताए थे और लाइफ साइकिल बताया था कि टेरिडोफाइट्स का जो है वो लाइफ साइकिल कैसे चलता है। आज आपकी यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण शॉर्ट नोट भी आता है पीढ़ी एकांतरण पे। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन चलती हैं, यानी एक हैप्लोइड और एक डिप्लोइड, या एक डिप्लोइड या एक हैप्लोइड, दो जनरेशन एक साथ चलती हैं, तो वो कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में टू जनरेशन एक साथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड चलती हैं या पाई जाती हैं, तो ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये वर्ड जो है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, इसके बारे में सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने बताया था। हॉफमिस्टर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि टेरिडोफाइट्स में जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कैसे चलता है। देखिए क्या होता है, इस प्लांट की लाइफ साइकिल में दो पीढ़ी मिलती है। कल मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था, एक मेन पीढ़ी जो होती है, मेन जनरेशन जो होती है, वो होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। शॉर्ट नोट आता है इस पर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट में आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्लांट की लाइफ साइकिल में फर्स्ट जनरेशन मिलती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी कौन सी पीढ़ी, बीजाणोद्भिद पीढ़ी। बीजाणोद्भिद पीढ़ी मेन पीढ़ी होती है, मुख्य पीढ़ी होती है, मेन जनरेशन होती है इसकी, और हमेशा कैसी होती है, 2n, 2n यानी द्विगुणित। इसमें बनते हैं स्पोर, स्पोर्स आर फॉर्म, स्पोर बनते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ये तो हुई आपकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जो स्पोर बने हैं, कल बताया था मैंने आपको कि ये स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होके पीढ़ी बनाते हैं, वो कहलाती है पीढ़ी गैमेटोफाइट जनरेशन, या प्रोथेलस का जन्म देते हैं, प्रोथेलस को जन्म देते हैं। तो इसी पीढ़ी से जो है, इसी जनरेशन से स्पोर के जर्मिनेट होने से, अंकुरित होने से दूसरी पीढ़ी बनती है, और उस दूसरी जनरेशन का नाम है आपके गैमेटोफाइट जनरेशन। और गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। दूसरी जनरेशन एक हम बता चुके हैं आपको, दूसरी है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होती है, यह पीढ़ी हमेशा जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन आपकी कैसी थी, डिप्लॉइड। ये पीढ़ी हमेशा होगी हैप्लॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पीढ़ी में, इसको प्रोथेलस भी कह देते हैं, इस पीढ़ी में जो प्रोथेलस बनता है उस प्रोथेलस पर लगते हैं गैमेट्स। कल बताया था मैंने आपको गैमेट्स लगते हैं, मतलब गैमेट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पर एंथीरिडिया और आर
प्रकार की गोनियाँ होंगी और उनके अंदर जो बनेंगे एंथीरियोजॉइड और एग बनेंगे और इस पीढ़ी के अंदर इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होके बनता है जायगोट। यानी जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी जनरेशन में होता है और जायगोट जो है आगे जाके स्पोरोफाइटिक प्लांट में बदल जाता है। ये एन और ये भी एन और जायगोट इज 2N। लेकिन गैमेटोफाइटिक जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसके पहले वाली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तभी इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना लिया और जायगोट से वापस कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो गई, स्पोरोफाइटिक। यही है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि इन दोनों ने मिलके ये बनाया और फिर इससे वापस कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो गई है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई है। और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं। कल मैंने आपको बताया था कि स्पोरेंजिया क्या होती है, तो देखिए आपके टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कि स्पोरेंजिया जो है बीजाणुधानी जो है इस बीजाणुधानी का विकास जो है वो कैसे होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने देखा कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। अब आप देखिए कि ये जो बीजाणुधानी बनी है ये बीजाणुधानी जो है वो कैसे बनती है। आपको पता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो फ्री होती है, बिल्कुल किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन पर, क्योंकि उसका ओरिजिन किससे होता है, स्पोर से होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन से होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया कहां मिल रही है, स्पोरोफिल पर, और स्पोरोफिल को क्या कहते हैं हिंदी में, बीजाणुपर्ण। अब एक चीज आती है कोन या स्ट्रोबिलस किसे कहते हैं। पहले आप ये देखिए जब बहुत सारे स्पोरोफिल जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होकर एक पर्टिकुलर सघन स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक के ऊपर एक इकट्ठे होके, तो वो कहलाता है कोन। देखिए ये स्पोरोफिल है बीजाणुपर्ण और इन पर स्पोरेंजिया लगी हुई है और इन स्पोरेंजिया में भरे हैं स्पोर, तो ये क्या कहलाएगा, कोन या स्ट्रोबिलस। मतलब बहुत सारे बीजाणुपर्ण, एक स्पोरोफिल पर एक स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरोफिल इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके उन्होंने बना लिया कोन या स्ट्रोबिलस। और कोन कहां कहां पाया जाता है, कई बार पूछते हैं, सिले जिनेला में मिलता है, इक्विसीटम में मिलता है। सिले जिनेला में जो मिलता है दो टाइप के स्पोरेंजिया होती है, मतलब इनमें दो प्रकार की मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी, जबकि इक्विजिटम में एक ही टाइप की स्पोरेंजिया पाई जाती है, मतलब ये होमोस्पोरस प्लांट है और हेटरोस्पोरस प्लांट है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कि होमोस्पोरस प्लांट कौन सा है और हेटरोस्पोरस प्लांट कौन सा है। अब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्पोरोफिल पर हुआ, अब होता कैसे है, दो टाइप है, पहला तो है यू स्पोरेंजिएट और दूसरा है लेप्टो स्पोरेंजिएट। देखिए यदि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज इनिशिएट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड यू स्पोरेंजिएट, एंड व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज इनिशिएट फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल, दैट इज कॉल्ड लेप्टो स्पोरेंजिएट। मतलब यदि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट या स्टार्ट जो है इसका वो सेल्स के ग्रुप द्वारा होता है, सेल्स के
ग्रुप द्वारा होता है तो उसको कहते हैं यूट स्पोरेंजिएट। और ये किसमें मिलता है? साइलोटम में। साइलोटम का प्लांट है उसके अंदर पाया जाता है ये। सिलेजिनेला में मिलता है ये, और एक मिलता है ये लाइकोपोडियम में। कई बार क्वेश्चन आता है लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको यूस्पोरेंजिएट बता रही हूं कि जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सेल्स के ग्रुप के द्वारा, यहां लेप्टो में ए सिंगल सेल द्वारा, एक सिंगल सेल अकेली मिलकर पूरी की पूरी स्पोरेंजिया बना लेगी। यह मैं आपको कल बताऊंगी, ये मैं आपको अभी बताती हूं कैसे होता है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, देखिए अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, मतलब कुछ सेल्स जो होंगी वो आकार में बड़ी हो जाएंगी, कुछ अदर दिखने लग जाएंगी, अदर जो सेल्स हैं उन्हें डिफरेंट दिखने लग जाएगी। तो फिर इससे देखिए क्या होगा, बाहर की तरफ बनेगी प्राइमरी वॉल सेल या जैकेट सेल कह दो इसको, अंदर की तरफ बनेगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इसके तरफ बनेगी जैकेट सेल बन जाएंगी, मतलब पूरी जैकेट बनेगी, टैपिटम की लेयर बनेगी टिश्यूज को पोषण देने के लिए, इधर बनेगा स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, फिर इनसे बनेगी स्पोर मदर सेल और इनमें मियोसिस होके बनेंगे स्पोर, इनमें मियोसिस होगी और स्पोर बनेंगे। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कह दो या स्पोरेंजियल इनिशियल कह दो, स्पोरेंजियल इनिशियल जीवाणुधानी प्रारंभिका, ये आपका चार्ट है। जैकेट सेल, स्पोरेंजियल इनिशियल, इनसे स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर। अगर होमोस्पोर है तो सारे स्पोर सेम होंगे, और अगर मेगा और माइक्रो है तो अलग अलग स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और इसका डायग्राम और आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।